नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज सर्किट के बारे में। तो आज से पहले हम इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आइसोलेटेड कंडक्टर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया, बाद में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कंडक्टर की जो अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर में होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो आई रियली एनकरेज इफ़ आपने पूरे नए लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख के आइए, तो ये वाला टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो इक्वेशन डिराइव किया था, लेट मी जस्ट शो यू दैट। हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर थे, 1, 2, 3 अप टू एन नंबर ऑफ कंडक्टर। कोई पॉइंट पी पर हमें फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू फाइंड करनी थी ड्यू टू दिस कंडक्टर 1 जो कि हमने डिराइव किया था। लेट्स फ्लक्स लिंकेज एट पॉइंट पी ड्यू टू एनी कंडक्टर के इज गिवन बाय 2 × 10⁻⁷ द समेशन ऑफ आई जे वेयर जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to n नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 1 / dKJ। नाउ व्हाट इज dKJ? dKJ इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। ओके, सो हमने ये नोटिस किया था कि भाई हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, वो दिस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर ओनली। ओके, नाउ लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं व्हेन जे इज इक्वल टू के, इन दैट केस वी विल राइट dKJ इज इक्वल टू RK' ओनली। दिस इज नथिंग बट द फिक्टिशियस रेडियस ऑफ द कंडक्टर के। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं लैम्बडा 1P के लिए तो ये होगा हमारा R1'। ओके, दैट विल बी 0.7788 R1 एंड द यूनिट ऑफ दिस फ्लक्स लिंकेज विल बी वेबर टर्न पर मीटर। ठीक है, इतने तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगेन इफ यू हैवंट सीन माई प्रीवियस वीडियो, आई रियली इनकरेज टू गो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस फर्स्ट एंड देन केम एंड यू विल गोइंग टू वॉच द इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज सर्किट। सो नाउ लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सो इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज सर्किट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कंपोजिट कंडक्टर, बिकॉज अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया है और सॉलिड कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया है। जब भी हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जनरली हम यूज़ करते हैं कंपोजिट कंडक्टर, और जिसको हम बोल सकते हैं SESR कंडक्टर, विच इज़ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, बंडल कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। बंडल कंडक्टर्स पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सो हम कंपोजिट कंडक्टर यूज़ करते हैं। उस कंपोजिट कंडक्टर में होता क्या है एक्चुअल में, उसमें होते हैं 2 or more strands। सो आवर कंडक्टर विल बिकम्स ऑफ 2 or more strands, उसमें 2 से ज़्यादा स्ट्रेंड्स होते हैं और वो सारे इलेक्ट्रिकली पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर दिखाया है जिसमें लेट्स से दिस इज अवर स्ट्रैंड 1, दिस इज स्ट्रैंड 2, दिस इज स्ट्रैंड 3, 4, 5, 6, 2 से ज़्यादा स्ट्रैंड हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से वी आर हैविंग अ कंडक्टर एक्स जिसमें एन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है। ओके, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमारे पास और एक कंडक्टर है, लेकिन लेट से हम यहाँ पर बोला है कि भैया कौन सी सर्किट है, सिंगल फेज सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगल फेज सर्किट में क्या है, हमारा ये लोड है इज कनेक्टेड विथ अवर सोर्स, सो दिस विल बी अवर पावर कंडक्टर एंड दिस विल बी अवर रिटर्न कंडक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन पावर कंडक्टर विल बी इन दिस, सो लेट से दिस करंट इज आई, हियर द करंट इज आई बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। सो लेट से दिस करंट is I and the direction of current in opposite, I mean the return conductor will be opposite, so we will say this is minus I. Okay, यहाँ पर दो assumption है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई all these strands are cylindrical strands, and the other assumption is the current distribution in this all the strands are equal. Okay, so वो सारे जो strands है it will going to share the equal current. ओके, सो ये दो assumption है जो हमको ध्यान में रखने होंगे। नाउ यहाँ पर आ जाते हैं, लेट्स से हमारा ये कंडक्टर X है जो कि पावर कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर Y है जो कि रिटर्न कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेंड्स है वो है 1, 2, 3 up to n। जो रिटर्न कंडक्टर है उसमें जो स्ट्रेंड्स है उसको मैंने दिया है 1-2-3-up to m नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मैंने बता दी, ये है हमारी I करंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है,
सो अगर इसकी वैल्यू होगी आई, टोटल करंट यहाँ पर आई होगा, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना होगा, माइनस आई, बिकॉज द डायरेक्शन इज अपोजिट। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है एन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है एम। ठीक है, करंट पर स्ट्रेंड्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई इट विल गोइंग टू शेड इक्वल करंट। ओके, सो टोटल टोटल अमाउंट ऑफ करंट इज आई एंड ऑल द स्ट्रेंड्स इज गोइंग टू शेयर इक्वल करंट, सो करंट पर स्ट्रेंड विल गोइंग टू बी आई बाय एन। सेम इस केस में क्या होगा, माइनस आई बाय एम। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब इस लेक्चर में सिर्फ इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज सर्किट के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ हम फ्लक्स लिंकेज की बात करेंगे कि भाई एक स्ट्रैंड है हमारा तो उसका फ्लक्स लिंकेज कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे। बाकी का जो लेक्चर है, इस इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज सर्किट के बारे में दो लेक्चर बनाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ फ्लक्स लिंकेज के बारे में बात करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, लेट से ये कंडक्टर स्ट्रैंड वन है, सो कंडक्टर एक्स का स्ट्रैंड नंबर वन में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आई बाय एन। जब करंट फ्लो करेगा दिस विल हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सब चीज हमें याद रखनी है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रैंड है उसका भी फ्लक्स लिंकेज होगा, यहाँ पर स्ट्रैंड है उसका भी फ्लक्स लिंकेज होगा, दे विल गोइंग टू इंटरलेस्ट ईच अदर। ठीक है, उन दोनों को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, अब लेट से हमें पिछले लेक्चर में जो इक्वेशन डिराइव किया था अब हम उसका यूज करेंगे और डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू। सो लेट से यहां पर से जो फ्लक्स लिंकेज होगा लैम्बडा वन, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, 2 × 10⁻⁷। ठीक है, यह पी पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो यहां पर मैं लैम्बडा वन पी नहीं लिख रहा हूं अभी। ठीक है, सो 2 × 10⁻⁷ एज इट इज, वी आर डूइंग समेशन फ्रॉम 1 to n आई जे नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 1/kj। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ये वाले विद इन द कंडक्टर, और यहां पर से भी करंट फ्लो होगा तो उसका भी फ्लक्स लिंकेज हमें कंसिडर करना होगा। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज विल बी विद इन द कंडक्टर एंड ड्यू टू द अदर कंडक्टर। ओके, तो सबसे पहले विद इन द कंडक्टर की बात करें तो यहां से करंट होगा आई वन एंड द डिस्टेंस होगा नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ दिस कंडक्ट दिस स्ट्रैंड टू दिस स्ट्रैंड, दिस विल बी डी वन वन ओनली। ओके, सो वी आर राइटिंग डी वन वन, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब डी वन वन इज नथिंग बट इस कंडक्टर से इस कंडक्टर का डिस्टेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर वन डैश के बारे में। ठीक है, सो वी विल राइट 0.7788 आर वन। मैंने बताया था कि भाई जब हमारे जे और के की वैल्यू सेम होगी वी विल राइट आर के डैश, दिस इज नथिंग बट 0.7788 आर के। ओके, ये हो गया। अब वन टू, ओके, सो द करंट इन दिस कंडक्टर इज आई टू नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 1 / डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, दिस विल बी डी वन टू, डी वन थ्री अप टू डी वन एन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर टर्म नाउ। ओके, ये हो गया हमारा विद इन द कंडक्टर, लेकिन यहां से भी करंट फ्लो करेगा और इसका भी फ्लक्स लिंकेज हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो मैंने यहां पर लिखा है, आई होप आप ये देख सकते हैं, आई एम सॉरी ये थोड़ा नीचे था। तो सबसे पहले हमने विद इन द कंडक्टर बात करी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 2, देन 1 3 अप टू 1 n। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से भी करंट फ्लो करेगा उसका फ्लक्स लिंकेज हमें ऐड करना होगा, तो यहां से करंट फ्लो होगा वो आई वन डैश नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस 1 and 1 दिस विल बी 1/(1, 1)। ओके, सेम दिस 1 and 2 दैट बी 1 2, 1 and 3, 1 3 अप टू 1 and m 1 m। ठीक है, ये करंट आई वन डैश आई टू डैश आई एम। सो इस सेम इक्वेशन का यूज करके हमने फ्लक्स लिंकेज फाइंड किया ड्यू टू कंडक्टर वन। ओके, और वो यहां रहा। ठीक है, इसमें हमने फिर से बता दू विद इन द कंडक्टर प्लस द अदर कंडक्टर और द रिटर्न कंडक्टर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई वी नो दैट द करंट विल गोइंग टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से भी करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, इस स्ट्रैंड में से करंट फ्लो करेगा, nth स्ट्रैंड में से करंट फ्लो करेगा, सारे करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वो होगी आई बाई एन, और इस रिटर्न कंडक्टर में वो रहेगी माइनस आई बाई एन। ठीक है, सो आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू आई बाई एन, एंड हियर आई वन डैश इज इक्वल टू आई टू डैश अप टू आई एम इज इक्वल टू माइनस आई बाई एम।
ठीक है। तो यहां पर जो आई वन है, आई टू है, आई एन है, उसकी जगह पर मैं आई बाई एन लिखूंगा, ठीक है, और उसको मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा, माय फर्स्ट पार्ट विल बी दिस, और यहां पर आई वन डैश, आई टू डैश, आई एम, उसकी जगह पर मैं रख दूंगा माइनस आई बाई एम, और उसको भी कॉमन निकाल लो, तो मेरा इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने सिर्फ कॉमन निकाला है, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे i यहां पर भी है, i यहां पर भी है, तो i को मैं कॉमन निकालूंगा, तो बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू माइनस 7 i, ठीक है, और यहां पर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय n ओनली, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 1 अपॉन डी 11, सो ये अगर मैं लॉगरिथमिक की टर्म यूज करूं, आई मीन प्रॉपर्टी यूज करूं, दैट लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b अप टू प्लस लॉग ऑफ n, सो आई कैन राइट नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ a multiply by b up to n, okay, so the summation of natural logarithmic of, we can represent it as product of logarithmic, okay, so we are writing this 1d1, 1d2, 1dn, okay, so we are writing as a multiplication, same way हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, okay, so I hope you understand, this is nothing but the property of logarithm. अब यहाँ पर आप देखिए, आप दूसरी भी property के बारे में जानते होगे, let's say हमारे पास है a log of b, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that log of b raise to a, okay, so this will going to be in the raise to of b, so we'll write log of b raise to a, so same property का हम use करेंगे यहाँ पर, that 1 upon n will be going to right here, this 1 upon m यहाँ पर आ जाएगा, so we can write this 2 times 10 raise to minus 7 i as it is natural logarithmic of 1 divided by d11, d12 up to d1n raised to 1 upon n minus natural logarithmic of this term up raised to 1 divided by m. This is nothing but mathematics. Okay, try to understand only. Okay. अब यहां पर भी आप देखेंगे, सो यहां पर भी हम logarithmic की property यूज करेंगे. We know that log of a, I hope you can see, minus log of b is equal to log a by b. We know that this implies that log of 1 upon a minus log of 1 upon b is nothing but log of b by a. So, वो property अगर हम यहाँ पर use करें तो आपको यहाँ पर पता है log of something minus log of something will be log of this divided by log of this. तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 2 10 raised to minus 7 i natural logarithm of this term raised to 1 upon m divided by this term raised to 1 upon n, okay, so this is very simple, we are doing just math only, okay. अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा final equation है of flux linkage due to current in conductor 1, so lambda 1 is given by this equation. यहां पर हमें एक चीज को notice करना होगा, ये सारे distance है in numerator, ये है 111 dash, I mean d11 dash, d12 dash, up to d1m. This is nothing but the distance of this to this, this to this, and this to this. Okay, so all the distance from strand 1 to other conductor, okay, is given in the numerator. और हम बात करें within the conductor जो distance है वो रहेंगे हमारे denominator में. So d11, d12, up to d1m. So d11, 12, 13, up to 1n will be in denominator. ठीक है. So ये चीज आपको याद रखनी रहेगी. आगे जाके हम इसका भी use करेंगे. ठीक है. So other conductor will be in numerator. Within the conductor, all the strands, the distance will be in denominator. Okay. लेकिन ये तो हुआ सिर्फ flux linkage due to conductor. I mean the strand 1, not conductor 1, this will be strand 1, okay. So in general हम बात करें कि भाई इस conductor X में से कोई भी strand हो या फिर इस conductor Y में से कोई भी strands हो, let's say कोई यहाँ पर conductor है, वो है K. So due to this conductor K, what will be the flux linkage? So इसको हम in general लिख सकते हैं that this term is constant, so we are writing as it is natural logarithmic of, this is nothing but the product, okay. Product of d11 dash, d12 dash, d1m. So this 1 is going to be constant. Okay, क्योंकि हम k की बात कर रहे हैं, so this k is going to be constant. And the other one, I mean the 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash up to m is changing. Okay, so in summation, we are writing this sum, but in case of production, we are writing as a pi. Okay, so pi from m is equal to 1 dash to m,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डैश 2 डैश अप टू m, सो फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 डैश टू m d 1 डैश यानी कि d k m, ओके दिस m इज चेंजिंग 1 डैश 2 डैश अप टू m, सो दिस m इज चेंजिंग, सो m डैश टू m d k m, दिस k इज कांस्टेंट, ओके सो दिस 1 1 1 इज कांस्टेंट, सो वी आर राइटिंग d k m raised to 1 upon m is as it is, ओके सेम वे इन डिनोमिनेटर वी आर राइटिंg pi n is equal to 1 to n, you can see 1, 2, 3 up to n, and this 1 is okay k only, so dkn rest to 1 upon n, so in general way we can write dk in this way, okay, this is also very important equation, the same we are writing in a जनरल मैनर, ओके इसको हमने सिर्फ जनरल में लिखा है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि भाई यहाँ पर जो नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ डिनोमिनेटर है उसमें डिस्टेंस है वो x और y कंडक्टर के है, ओके और यहाँ पर विद इन द कंडक्टर के है, ठीक है, लेकिन ये तो किसके लिए हुआ, लेट से हमारे पास कोई स्ट्रैंड k है उसके लिए फ्लक्स लिंकेज का हुआ, लेकिन अगर हमें इस पूरे कंडक्टर के लिए फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना है ऑफ कंडक्टर x इज गिवन बाय x given by lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda k plus lambda n, ठीक है, तो पूरा जो कंडक्टर 1 की वजह से होगा, कंडक्टर 2 की वजह से, 3 की वजह से, अप टू n की वजह से होगा, उसका सारा का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा ड्यू टू दिस ओनली कंडक्टर x, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये तो हमने सिर्फ एक के लिए फाइंड किया, ऐसा हम दूसरे के लिए करेंगे, तीसरे के लिए करेंगे और एन नंबर के लिए करेंगे और उस सब का सम करेंगे, हमें पता है नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ए प्लस बी अप टू लॉग एन इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी अप टू एन, ठीक है, हमें पता है उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये वाला टर्म है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सम ही कर रहे हैं ना, ऑल द टर्म का सम कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म तो कॉमन निकलेगा, अब बचेगा क्या, अब यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दीजिए, ये वाली टर्म है लैम्डा 1 के लिए है, ठीक है, लैम्डा 2 के लिए ये वाली टर्म दूसरी आएगी, लैम्डा 3 के लिए भी ये वाली टर्म तीसरी आएगी, आई मीन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग ऑल दिस, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस सम्स इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ 1 के लिए ये वाली टर्म आएगी यानी कि डी 1 1 डैश डी 1 2 डैश डी 1 एम, ओके डिनोमिनेटर में आएगा डी 1 1 डी 1 2 डी 1 एम, लैम्डा 2 के लिए करेंगे तो आएगा डी 1 2 डैश डी 2 2 डैश अप टू डी 2 एम, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में आएगा डी 2 एम डी 2 2 अप टू डी 2 एन अप टू विच अप टू डी 1 एम, ओके सो यहां पर आएगा डी एन 1 डैश एन 2 डैश क्योंकि एन के लिए क्या आएगा एन 1 डैश एन 2 डैश एन एम, सेम इन डिनोमिनेटर भी आएगा, रेस्ट टू क्या आएगा 1 अपॉन एम 1 अपॉन एन, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि हमने क्या किया, फ्लक्स एक के लिए किया था फ्लक्स लिंकेज, अब एन नंबर के लिए उसका सम करेंगे और उस सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्योंकि यहां पर नेचुरल लॉगरिथमिक है, ठीक है, थोड़ा सा मैथ हो गया, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, तो यहां पर रहेगी 1 टाइम्स m, ठीक है, यहां पर 2 टाइम्स m, सो 1 टाइम्स m 2 टाइम्स m n टाइम्स m, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी न्यूमरेटर में n m टर्म्स, ओके अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की तो 1 टाइम्स n 2 टाइम्स n n टाइम्स n, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n स्क्वायर टर्म्स इन डिनोमिनेटर, ओके डोंट फॉरगेट अबाउट 1 रेस्ट टू आई मीन 1 डिवाइडेड बाय m 1 डिवाइडेड बाय n, ओके उसके आई मीन we are taking the root of 1 upon m and 1 upon n, okay, ab is equation ko agar hum general form mein likhe, so this is nothing but we are representing again this product, so this product can be represented by this, lekin ye to humne ek ke liye kiya tha, ab conductor 2 ke liye conductor 3 ke liye up to conductor n ke liye karenge, to is equation ko I hope you can see is equation ko hum kaise represent karenge, ye constant term नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ, अब यहां पर देखिए ये एक बार समझ लीजिए, दूसरी चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहां पर देखिए आपका जो प्रोडक्ट है, अब दो बार हम प्रोडक्ट कर रहे, पहले तो ये प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमने ये लिखा था, अब ये तो सिर्फ लैम्बडा 1 के लिए था, 2 के लिए करेंगे तो ये क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, तो सबसे पहले 1 के लिए करेंगे फिर 2 के लिए अप टू n के लिए, तो ये हमारा उसके लिए हो गया, और अंदर के लिए तो हमने ये समझा ही था, तो वो सेम टर्म हमने यहां पर रख दी, ओके ये सेम टर्म हमने यहां पर रखी है, m इज इक्वल टू 1 डैश टू m dkm रेस्ट टू 1 अपन m, सेम टर्म हमने यहां पर रखी है, नथिंग इज चेंजिंग।
ओके लेकिन यहाँ पर अलग अलग हम कंडक्टर के लिए फ्लक्स लिंकेज कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली एक टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है, यूनिट विल बी वेबर टर्न पर मीटर। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट टू टाइम्स फोर लूप, ठीक है, फोर के इज इक्वल टू वन के लिए आप करेंगे और m की वैल्यू चेंज करेंगे वन डैश टू डैश अप टू m, देन आप k की वैल्यू टू करेंगे, सिर्फ m की वैल्यू वन डैश टू डैश, सेम फॉर n, ठीक है। सो ये अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप इजीली इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टू टाइम्स फोर लूप को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्बडा एक्स, आई मीन दिस कंडक्टर की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो। अगर हमें फाइंड करना हो दिस कंडक्टर की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगा, दिस विल बी लैम्बडा वाई, तो सेम इक्वेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 1 टू m और यहाँ पर डिनोमिनेटर में n, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंडक्टर आई मीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर विथ अदर कंडक्टर, ओके, और यहाँ पर होगा विद इन द कंडक्टर, ठीक है। सो विद इन द कंडक्टर यहाँ पर m आ जाएगा जो कि पहले था n, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू कंडक्टर x एंड ड्यू टू कंडक्टर y, ओके। बहुत सारी चीज हमने डिस्कस कर ली, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हो गया, बहुत सारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स था, नेचुरल लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है। इससे ज़्यादा इस लेक्चर में नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आप एक बार देखिए, दूसरी बार देखिए वीडियो, कोई जगह पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो हमें पता है कि भाई फ्लक्स लिंकेज अगर हमें मिल गया तो इंडक्टेंस फाइंड करना होगा, दैट इज नथिंग बट लैम्बडा डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। तो हमें कोई कंडक्टर लेट से लैम्बडा के फाइंड करना होगा, तो आई मीन एल के द इंडक्टेंस फॉर कंडक्टर के, सो दैट विल बी लैम्बडा के डिवाइडेड बाय आई के, इसका हम यूज करके नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू थिंक दैट दिस कंटेंट इज फॉर यू, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन गिव द बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड या आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।